विकलांगता चाहे कैसी भी, लेकिन हौसले की ताकत सबको पछाड़ देती है। ऐसा ही कुछ शहर के पठानवाड़ी निवासी रिजवान खान ने कर दिखाया है, जो मस्कुलर डिसऑर्डर बीमारी से ग्रसित है, जिसके चलते उनके शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता। बावजूद इस शारीरिक कमजोरी के बावजूद रिजवान ने पढ़ाई के प्रति लगन और कुछ कर दिखाने के जुनून के बल पर रिजवान ने IBPS की चयन परीक्षा में बतौर PO चयनित हुए हैं। वर्तमान में रिजवान सेंट्रल बैंक में बतौर क्लर्क पदस्थ हैं। रिजवान का कहना है कि वे आगे और तरक्की चाहते हैं, जिसके लिए वे नौकरी के साथ पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। इसी का परिणाम है कि उन्होंने IBPS की परीक्षा पास कर ली। अब उन्हें बैंक ऑफ इंडिया से ऑफर आया है। रिजवान कहते हैं कि मुश्किलों से हार मानने के बजाय ऐसी मुश्किल घड़ी में हमें संघर्ष करना चाहिए। विकलांगों के प्रति लोगों को अब सोच बदलनी होगी, इसे अभिशाप के रूप में ना देखें। उत्साह के साथ कार्य किया जाए तो सक्षम लोगों से भी आगे निकला जा सकता है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आपने अभी किस बात पे हो यहाँ पर? इसके लिए मेहनत करी थी आपने? कौन कमजोरियाँ नहीं लेती है, कभी बाधा हुई आपको ऐसा महसूस हुआ कि कमजोरी कारण आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या फिर? नहीं नहीं, ऐसा महसूस नहीं, ऐसा मतलब हार नहीं मानी मैंने। किसको प्रेरणा मानते हैं आपकी, इसमें किस परिवार का सपोर्ट रहा, किस कारण रहा है? दोस्तों का भी बहुत सपोर्ट। और अभी कौन से एग्जाम पास किया आप? इसकी तैयारी कैसे की, कोचिंग से की, कैसे? ऑनलाइन क्लासेस ली। क्या नाम है आपका? रिजवान खान है। रिजवान खान, ये चूँकि पैदाइशी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित था, और मतलब काफ़ी शुरू से प्रतिभावान रहा। इसने सेंट्रल स्कूल से 12वीं की एग्ज़ाम फर्स्ट डिवीज़न में अच्छे हाई मार्क से एग्ज़ाम उसने उत्तीर्ण करी थी। उसके बाद इसका मेडिकल लाइन में जाने का विचार था, इसलिए इसने बायो से जो है तो BSc उत्तीर्ण की यहाँ पर रेगुलर महाविद्यालय से, खरगोन महाविद्यालय से। उसके बाद में इसने BCA का कोर्स भी किया। उसके बाद में चूँकि मेडिकल का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन इसकी शारीरिक कमजोरी के कारण जो है तो वो उसमें ये थोड़ा नर्वस होने लगा। फिर इसको हमने सजेस्ट किया कि बैंकिंग एग्ज़ाम आपके शारीरिक बीमारी के हिसाब से ठीक रहेगा, तो इसने बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू करी। और लगभग पहले ही ट्राई में इसने जो है तो IBPS में परीक्षा क्लरिकल की परीक्षा उत्तीर्ण की, और पिछले वर्ष 2021 जनवरी में इसने सेंट्रल बैंक में खरगोन शाखा के अंदर जो है तो इसने ज्वाइनिंग किया। और उसके बाद में भी इसने हौसला नहीं आ रहा, और इसकी एक हार्दिक इच्छा थी कि मैं अधिकारी लेवल पे जाऊं, तो इसने अधिकारी की तैयारी की प्रयोग की। और पहले ही साल में इसने जो है तो IBPS में प्रयोग के एग्ज़ाम क्लियर की, और अभी कल जो है तो 1 अप्रैल को ही इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, और उसमें इसका प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। और शीघ्र ही इसकी ज्वाइनिंग की जब भी तारीख आएगी तो उसमें जाएगा। इसके पूरे इस जो मतलब क्या है कि ये इस बच्चे इसके दोस्तों का भी बहुत सहयोग रहा इसको, मतलब पढ़ाई से लेके अभी तक जो है तो इसके दोस्तों का काफ़ी सहयोग रहा है। ये भी लाना ले जाना किसे करते हैं? ये जो है तो घर पर भी इसे जो भी शौचालय वगैरह जाना पड़ता है तो इसको उठा के या तो इसका बड़ा भाई ले जाता है बाथरूम और इसके लिए, और कहीं पे भी ये चल फिर नहीं पाता है। और वहाँ अभी एक चूँकि बैंक आने जाने के लिए एक व्यक्ति रखा हुआ है, तो वो बैंक तक लेके आते हैं और उठा के यहाँ बैंक में बैठा के जाते हैं, और वैसे ही उठा के वापस घर छोड़ देता है। क्या नाम है आपका? शमीम फिरदौस खान, मैं MPB में विद्युत कर्मचारी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।